क्या सुभाष और मुरली ने वाकई में कविता का कत्ल कर दिया था, या फिर वो बेगुनाह थे और कड़ी पूछताछ के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे? अगर मुरली और सुभाष ने कविता का कत्ल नहीं किया था तो फिर कातिल कौन था? अब तक इस केस में जितना भी सामने आया था उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ था। हमारे पति किसी की जान नहीं ले सकते साहब। उन्होंने हमें बताया कि वो लोग आपकी मार सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। साहब उन्हें छोड़ दीजिए साहब, हम हाथ जोड़ते हैं साहब, उन्हें छोड़ दीजिए। हर मुजरिम के अंदर एक एक्टर छुपा रहता है। हमारे सामने काफी एक्टिंग कर ली उन्होंने, दाल नहीं गली, अभी तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं वो। ये है बयान उनका, साइन है उनके, देखो। अब तुम हमें वहां ले चलोगे जहां तुम लोगों ने वो चाकू छुपाया। हमें वो चाकू गोदाम से मिला जहां तुम दोनों के पति काम करते हैं। चाकू बरामद करने के बाद उन दोनों ने करोली नगा के पास हमें वो जगह दिखाई जहां झाड़ियों के बीच लाश को उन लोगों ने जलाया था। यही मारा था ना कविता चौहान को? यही मार के जलाया था ना? हाँ साहब। मेरे पति ने वाकई कविता की जान ली है। तुम्हारे पति मुरली सावंत ने कविता का कत्ल किया है, और जानवी तुम्हारे पति सुहास ने इस कत्ल में मुरली सावंत का साथ दिया। कविता अपनी पार्वती मौसी के घर से लौट रही थी। इन्होंने उसे फोन करके बीच में बुलाया और मुरली सावंत ने उसे पैसा लौटाने का वादा भी किया था। दे दो पैसे मुरली भाव, मुझे देर हो रही है। अरे तेरे पैसे देने के लिए तो तुझे बुलाया है, चल आ जा यहीं पास में ही। मेरा एक दोस्त पैसे लेकर आ रहा है, उससे उधार लेकर तुझे दे रहा हूँ। आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का होगा, हाँ चल आ जा। मुरली भाव और कितना दूर है? अरे बस पास में ही है, आ जा आ जा। भाव अगर आप इनसे पैसे उधार लेके मुझे दे रहे थे तो मैं सीधे गोदाम पे आ जाती कल, ये सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है कविता, जरूरत भी और कारण भी। ये क्या बोल रहे हो भाव? मैं ये बोल रहा हूँ कविता कि आज के बाद तेरे और मेरे बीच में ये बाकी के 25,000 रुपए नहीं रहेंगे, कि आज के बाद तू ही नहीं रहेगी। मैं करसिन लेके आता हूँ मुरली। जल्दी कर सुभाष। अब साली लाश भी किसी को मिलेगी तो वो पहचानेगा नहीं। चल मुरली। चल सुभाष। नहीं साहब, मेरे पति चाकू से किसी लड़की को नहीं मार सकते साहब, ऐसा नहीं हो सकता साहब। हाँ साहब, सुभाष ऐसा कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा यकीन, ये सब अब कोई मायने नहीं रखता। हम बहुत जल्दी चार्जशीट फाइल करने वाले हैं, तुम्हें जो कहना है अदालत में जाके कहना।
मार दिया उन्होंने कविता को। उन दोनों को तो फांसी हो जानी चाहिए। अब फांसी होगी या क्या होगा इसका फैसला तो अदालत ही करेगी ना। फैसला क्या करना है, कबूल कर लिया उन्होंने तो फांसी देनी चाहिए। लेकिन तुम अपना मजहब क्यों बदलोगी? ताकि तुम्हारे अम्मी अबू का इरादा ना बदले रफीक। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम अपना मजहब बदलोगी। लेकिन जैसे मैं थी क्या वो उन्हें कबूल होगा? सर पुलिस चार्जशीट के अनुसार आरोपी मुरली विठल सावंत और सुभाष यतीन वाघमारे ने रमेश कदम और मरहूम आशा कदम की बेटी और कंप्लेनेंट गोपाल चौहान की पत्नी कविता चौहान का कत्ल किया है। आईपीसी 302 कत्ल के लिए, आईपीसी 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, आईपीसी 34 कॉमन इंटेंशन और 201 सबूत गायब करवाने के चार्ज लगाए गए हैं। सर मेरे क्लाइंट मुरली विठल सावंत और सुभाष यतीन वाघमारे दलील करते कि वो दोषी नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और आरोपियों के बयान के बाद यह अदालत मुरली विठल सावंत और सुभाष यतीन वाघमारे पर आईपीसी 302 120 बी 34 और 201 के चार्जेस लगाती है। आज से मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। मुरली सावंत और सुभाष वाघमारे पर कविता चौहान के कत्ल का मुकदमा शुरू हुआ। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उन्होंने किस तरह से कविता का कत्ल किया था और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन कविता चौहान तो जिंदा थी और उसका रफीक नाम के आदमी के साथ निकाह होने जा रहा था। इस केस ने कई जिंदगियां तहस नहस कर दी। मुरली सावंत के परिवार पर समाज की मोहर लग गई थी, एक खूनी का परिवार। सुभाष वाघमारे के घर में भी वही हाल था, कोई मदद को तैयार नहीं और ऊपर से जिल्लत की बौछार। दूसरी ओर कविता के परिवार के लोग न्याय चाहते थे और वो चाहते थे कि कविता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सब लोग यही मानकर चल रहे थे कि कविता मर गई है। इस केस की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम भी यही मान रही थी कि कविता का कत्ल हुआ है। सर मुरली सावंत और सुभाष वाघमारे हमें उस गोडाउन पे ले गए जहां ये दोनों काम करते थे और जहां इन्होंने वो चाकू छुपाया था जो हमने बरामद किया है। फिर ये दोनों हमें करोली नाका के पास उस जगह ले गए जहां विक्टिम कविता चौहान का इन्होंने कत्ल किया और बाद में लाश को केरोसिन डालकर जला दिया था। ये आपको वहां ले गए थे या आप इन्हें वहां ले गए थे? क्योंकि लाश आपको वहीं मिली थी। ये दोनों हमें वहां ले गए थे। सर मेरे क्लाइंट इस चार्ज को नकारते हैं कि वे पुलिस को क्राइम सीन पे ले गए थे, बल्कि उनका कहना है कि पुलिस उन्हें वहां ले गई थी। सर जाहिर सी बात है डिफेंस अब ये कहेगी कि पुलिस ने ही वहां पे मर्डर वेपन को प्लांट किया है। नहीं सर, पुलिस ने वो चाकू प्लांट नहीं किया था, उन्हें वो चाकू वहां मिला था। हम इस चार्ज को नकारते हैं कि वो चाकू मर्डर वेपन है। मुरली सावंत एक मजदूर है और उस चाकू का इस्तेमाल बोरे के धागे काटने के लिए करता है। दोनों आरोपी जिस सीमेंट गोडाउन में काम करते हैं उसी गोडाउन से चाकू बरामद हुई, वो भी हेड सुपरवाइजर की मौजूदगी में। सच तो ये है सर कि मेरे क्लाइंट थर्ड डिग्री टॉर्चर सह नहीं पाए और इसी डर में उन्होंने कबूल कर लिया कि वो कत्ल उन्होंने किया है। नहीं सर, सच ये है कि मुरली सावंत डरा हुआ था और उसके डर का कारण था कविता चौहान का उससे अपने हक के 25,000 रुपए की डिमांड करना, जो मुरली सावंत देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने दोस्त सुभाष वाघमारे के साथ मिलकर
उसके कत्ल का षड्यंत्र रचा और फिर इस कत्ल को अंजाम दिया। मुरली सावंत के पास ठोस मोटिव था कविता चौहान का कत्ल करने का, 25,000 रुपए। ये चाकू क्राइम सीन से रिकवर नहीं हुआ है और ना ही इसे गोदाम में छुपाया गया था, बस एक जगह पे पड़ा था जहां रोज पड़ा होता है। ये कोई सबूत नहीं है सर। कत्ल करने के बाद छुरे को धोकर वापस अपनी जगह पर रख देना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इसमें साफ लिखा है कि विक्टिम पर एक नहीं, दो नहीं, कई बार वार किया गया। सर आरोपियों ने चाकू से शक की बूंदें हटाकर सोचा कि वो बच सकते हैं, लेकिन इससे ये हकीकत नहीं छुप सकती कि उनके पास कविता चौहान का मर्डर करने का एक ठोस मोटिव था और उन्होंने ही इस मर्डर को अंजाम दिया है। लंबी चली ये लड़ाई। भगवान से प्रार्थना करता हूं इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाए। दीदी वाकई में मुरली भाव के पीछे पड़ गई थी पैसे लेने के लिए? मुझे नहीं लगता बेटा। देख तेरी आई नाराज थी मुरली पर क्योंकि वो बाकी के 25,000 नहीं लौटा रहा था, लेकिन उनके लिए मुरली कविता का खून कर देगा ये बात तो किसी के भी समझ के बाहर है। काश मेरे पास 25,000 रुपए होते, दे दिए होते कविता को, ये सब तो नहीं होता। कैसे नहीं होता मुरली, किस्मत इसे ही तो कहते हैं। खरे कोई और भरे कोई। अम्मिया अल्लाह को प्यारी हो गई। और आपके अब्बू? चलो बेटा अपना बैग भर लो, मैं तुम्हारा टिफिन लेके आती हूँ, ठीक है? शबाना, नाज़नीन की बात को ऐसे क्यों काट दिया? अब्बू हैं तुम्हारे, भाई हैं, मौसी हैं। नाज़नीन उन सबको जानेगी, उनसे मिलेगी तो क्या बुराई है? बुरा तो तकदीर का खेल है रफीक। मैं आज तुम्हारे और नाज़नीन के साथ कितना खुश हूँ। काश मैं ये खुशी अपने घर वालों के साथ बांट सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कभी घर लौट ही नहीं पाई। कितने बार दिल किया कि पार्वती मौसी से मिलूं, बाबा से मिलूं, रजनी से मिलूं। कविता चौहान अब शबाना शेख बन गई थी। उसकी 4 साल की बच्ची थी और वो अपने पति रफीक के साथ अपनी जिंदगी में खुश थी। दूसरी तरफ मुरली और सुभाष की जिंदगी उजड़ गई थी क्योंकि उन दोनों पर कविता चौहान के कत्ल का इल्जाम लगा था। आखिर पूरे 4 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन और लैब रिपोर्ट साबित करते हैं कि कविता चौहान का कत्ल हुआ
इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करने की कोशिश की कि मुख्य आरोपी मुरली विठल सावंत की कविता चौहान के साथ पैसों को लेकर अनबन थी, जिसकी जड़ सालों पहले हुआ एक घर का सौदा था। मरहूम आशा कदम ने अपना पुश्तैनी घर मुरली सावंत को बेचा था, जिसके 25,000 रुपए वो उन्हें लौटा नहीं रहा था, और इसी लेन देन को मोटिव ऑफ मर्डर बताया जा रहा है। इस केस में मुरली सावंत के दोस्त गोडाउन सुपरवाइजर सुभाष यतीन बागमारे को भी को अक्यूज बनाया गया है। पर इस अदालत को इस केस में कत्ल के इरादे को लेकर सरकमस्टेंशियल एविडेंस जो पेश किए गए हैं वो काफी नहीं है। प्रोसिक्यूशन द्वारा ठोस सबूत पेश न किए जाने के चलते यह अदालत फैसला सुनाती है कि मुरली सावंत और सुभाष बागमारे ने कविता चौहान का कत्ल नहीं किया। दोनों आरोपियों पर लगे सारे चार्जेस खारिज किए जाते हैं और यह अदालत मुरली विठल सावंत और सुभाष यतीन वाघमारे को बरी करती है। मुरली और सुभाष बरी तो हुए थे पर बाइज्जत नहीं। उन पर जो खूनी होने की मोहर लग चुकी थी वो स्याही मिटने की बजाय अब और रंग लाने लगी थी। ये दोनों कानून की नजरों में बरी हुए थे पर लोगों की नजरों में नहीं। पहले पुलिस स्टेशन में इन दोनों ने चीख चीख कर बोला था कि वो निर्दोष हैं, फिर अदालत में दलीलें की थी और अब समाज के सामने हाथ जोड़ रहे थे बस एक ही बात कहने के लिए कि उन्होंने कत्ल नहीं किया था और उनका कबूलनामा डर के मारे किया गया था, पर इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं था। दोनों जेल में सड़ेंगे। वसंतपुर उत्तम नगर और करुणानगर के लोग हमारी कविता को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। बहुत बुरा किया उन दोनों ने हमारी कविता के साथ। कविता का पहला पति गोपाल चौहान भी अपनी जिंदगी में लौट गया। समय लगा, कठिनाइयां आई, पर आखिरकार मुरली और सुभाष की जिंदगी दोबारा पटरी पर आ गई। अगर इन पर कत्ल का कलंक नहीं लगा होता तो ये दोनों इससे काफी बेहतर और इज्जतदार जिंदगी बसर कर रहे होते। अब रिहा हुए 4 साल हो चुके थे और फिर एक बार इन दोनों की जिंदगी में भूचाल आया। क्या हुआ, चेहरे का रंग क्यों उतर गया?
मर्डर मौसा, ये कब हुआ? 2 साल हो गए, लेकिन तू इतने साल। ये मेरी बेटी नाज़नीन और ये मेरे पति रफीक। नाज़नीन, रफीक? और मैं कविता नहीं हूँ, शबाना हूँ, शबाना रफीक शेख। कहाँ थी इतने साल? तुझे पता भी था कि तेरे गायब हो जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे सच में पता नहीं? मौसी, मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ है। हम सबको लगा तुझे किसी ने मार डाला। मैंने अपने अतीत को मार डाला। सबको लगता है कि तू मर चुकी है। सब लोगों का ऐसा ही लगता है कि मुरली और सुभाष ने तेरा कत्ल किया है। क्या? मुरली भाव? क्या बोल रहे हो मौसी? इतने साल मुकदमा चला, दोनों जेल में बंद थे। इसका मतलब वो सच कह रहे थे कि उन्होंने तुझे नहीं मारा। तो फिर वो लाश किसकी थी? लाश? तेरे गायब हो जाने के बाद एक लाश मिली थी। तेरे दामोदर मौसा को लगा वो तेरी लाश है। लाश पूरी तरह से जली हुई थी। पुलिस ने भी कहा कि ये तेरी ही लाश है। मुरली और सुभाष ने भी कबूल किया कि उन्होंने तुझे मार डाला, लेकिन फिर अदालत में कहा कि उन्होंने तुझे नहीं मारा। उन्होंने ऐसा कहा ताकि वो पुलिस की ज्यादा पिटाई से बच जाए। 2003 से लेकर 2007 तक 4 साल दोनों जेल में बंद रहे। हम सब तो चाहते थे कि उन्हें पर अब वो तो मासूम है। मौसी, कसम से बोल रही हूँ, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन तू गायब कैसे हुई? थी कहाँ इतने साल? 9 साल पहले याद है मैं आपसे मिलने आई थी। कैसे बोल सकती हूँ? आखिरी बार देखा था तुझे उस दिन। मैं घर से भागने के लिए निकली थी, गोपाल से दूर हमेशा के लिए। मैंने पुणे में मेरी एक सहेली के साथ बात करके रखी थी। गलती हो गई मुझसे अपर्णा, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की। ये गलती ठीक भी तो की जा सकती है ना कविता? गोपाल के साथ कभी ठीक नहीं होगा। तू छोड़ दे उसे, सच्ची छोड़ दे उसे और चलिया मेरे पास। देख, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, काम करने वाले औरतों के हॉस्टल में। और मैं जिस फैक्ट्री में काम करती हूँ वहाँ पर हर आए दिन लोगों की जरूरत पड़ती है। तू चलिया, मैं तुझे काम पर लगवा दूंगी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ अपर्णा? तुझे बांध कर रखने वाला एक ही रिश्ता था, वो है तेरी आय का, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। और अगर तू अपने बाबा के पास वापस जाएगी तो गोपाल वहाँ आकर नाटक करेगा, ब्लैकमेल करेगा। देख मेरी बात मान, एक जोड़ी कपड़े में मेरे पास आ जा। जिस दिन मैं आपसे मिलने आई थी उसके बाद मैं घर नहीं गई, सीधे बस ली पुणे के लिए। वो सफर पिंजरे से निकलकर आजादी का सफर था मौसी। मैं गोपाल से दूर जा रही थी, इससे खुशी की कोई बात नहीं थी मेरे लिए। जैसा अपर्णा ने कहा था वैसा हुआ। जिस दिन मैं पहुंची थी पुणे, उसी दिन मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं अपर्णा के साथ रही, पुणे की आदत होने लगी और फिर रफीक से मुलाकात हुई। मुझे वो पसंद आया, उसे मैं पसंद आई और बस हमने शादी करने की सोची। मैं अच्छी जिंदगी जी रही थी। शादी के बाद ये नाज़नीन हुई, सब कुछ अच्छा जा रहा था। मुझे भनक तक नहीं थी कि पीछे से ये सब कुछ हो गया। ये क्या हो गया हम सब से? मुझे लगता है वो दो लोग जिनको शबाना के कत्ल में अंदर कर दिया गया था, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। 4 साल जेल में सड़े, इतनी मार खाई, रोजगार छिन गए। सुना है बहुत बुरे हाल है उनके अभी। मौसी, जो हुआ गलत हुआ। मैं तो अपने आप को बचाने के लिए गोपाल से दूर भागी। जैसे ये सब कुछ हो जाएगा मुझे कैसे पता था? हाँ शबाना, लेकिन अगर गलत को सही करने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो और भी बड़ी गलती होगी ना। मौसी, मैं जाकर मुरली भाव से मिलती हूँ। हम सब उन दोनों की जिंदगियां बर्बाद करने में भागीदार हैं।
हमने क्या किया कविता? मुरली भाव, मैं जिंदा हूँ और मुझे अभी अभी पता चला है कि इतने सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ है। भाव, भाव, पार्वती मौसी ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन कसम से बोल रही हूँ भाव, मुझे मुझे मालूम नहीं था कि ये सब कुछ हो गया है। निसाल, बेकारे खूनी बोलकर खून पिया, ले पुलिस ने, फिर लोगों ने। मुझे रत्ती भर की जानकारी होती तो मैं सीधे वापस आ जाती और सब सच बता देती, लेकिन लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। क्या करेगी तू? गुजरा वक्त वापस तो नहीं आएगा, लेकिन सहे गए दर्द का मरहम हो सकता है, नाइंसाफी की भरपाई हो सकती है। अब जो भी हो, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगी। कविता हमारे साथ पुलिस स्टेशन आएगी, कोर्ट में भी जाकर सब सच बताएगी। सच? मुरली, सच? और तू भूल गया उस पुलिस स्टेशन में सच और झूठ का फर्क? एक डंडे का है मुरली, अरे उस डंडे ने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ, याद है कि नहीं? उस डंडे से बचने के लिए हमने झूठ बोला कि इसका कत्ल हमने किया है। 4 साल हम लोग जेल में चले और 4 साल के बाद अब जिंदगी सजा दे रही है, समाज सजा दे रहा है। आके किसी से मिला नहीं सकते, बच्चे हमारे गर्दन झुकाकर जीते हैं। लेकिन काका सब कुछ बदल सकता है। मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं था, पर तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काका, मैं पुलिस और अदालत में जाके सब कुछ सच बता दूंगी, आप एक बार चलिए तो सही। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, सच तो यह है कि तुम मर चुकी हो, हमने ना सही तो किसी और ने मार डाला, लेकिन हम मरी हो चुके हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना पुलिस स्टेशन ना कोर्ट। काका, मेरी माफी मांगने से आपकी कोई सहायता नहीं होगी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं भी एक उम्र कैद से भाग रही थी, फांसी के फंदे जैसे घुटन से भाग रही थी, पति के पिटाई से भाग रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे भाग जाने के कारण तो मासूम जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे भाग जाने के बाद पीछे से इतना सब कुछ हो गया। 9 साल हो गए हैं, इन दोनों को बरी कर दिया गया है, बेकार में केस फिर से खोलने का क्या मतलब? क्योंकि मैं जिंदा हूँ सर, और ये साबित करना ही पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ। ये जरूरी है कि मुरली भाव और सुभाष काका के हक बहाल हो, इन्हें सबूत ना होने के कारण से छोड़ा गया, और अब कोर्ट और सारी दुनिया में ये जानना जरूरी है कि केस की असली सच्चाई क्या है। देखो, ये साबित हो चुका था कि वो लाश तुम्हारी थी। लेकिन सर, पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए मैं जिंदा हूँ, और इनकी गिरफ्तारी गलत थी, और जिस तरह से ये समाज पेश आ रहा है वो सबसे गलत।
इस सब से इनके जिंदगी के 9 साल लौटा पाओगे तुम? अगर मैं उन पर लगाया हुआ कलंक मिटा सकती हूँ तो वो अगले 9 साल और अगली सारी जिंदगी ये दोनों सर उठा के जी सकेंगे। इज्जत और आजादी भी तो कोई चीज होती ना साहब। कविता के लिए आसान नहीं था यह साबित करना कि वही वाकई में कविता चौहान है। डीएनए टेस्टिंग के बाद यह साबित हुआ कि कविता चौहान उर्फ शबाना शेख एक ही शख्स है। सर गोपाल मुझे बहुत तकलीफ देता था, उससे मैं दूर भागना चाहती थी। एक दिन मौका मिला तो मैं भाग गई, लेकिन मैंने ये गलती की कि मैंने ये बात किसी भी अपने को नहीं बताया, ना पार्वती मौसी को, ना दामोदर मौसा को, और ना ही मेरे सौतेले पिता रमेश चौहान को। मेरे भाग जाने के कारण से जिन जिन लोगों को तकलीफ हुई है, मैं उनसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ और आपसे दलील करती हूँ सर कि मुरली भाव और सुभाष काका को न्याय दीजिए। यह अदालत इस बात को कबूल करती है कि इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इस अदालत ने भी भूल की है, गलत किया है। दो बेगुनाह लोगों पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक औरत का कत्ल कर दिया जबकि वो औरत जिंदा है। सर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी ये मानते हैं कि उनसे चार्जेस फ्रेम करने में भूल हुई है, पर लेबोरेटरी ने कंफर्म किया था कि लाश कविता चौहान की है, इसीलिए पुलिस ने भी मान लिया कि लाश कविता की ही है। और पुलिस का पूरा शक मुरली सावंत पर था और उसने भी कबूल किया और सबूत भी दिए। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर पुलिस को दोषी न ठहराया जाए। कोर्ट ये मानती है कि पुलिस ने लैब द्वारा भेजी गई गलत रिपोर्ट पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जिस बात के लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कोर्ट इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि दो बेगुनाह नागरिकों के साथ हमारे हाथों अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है। कोर्ट इन दोनों के खिलाफ दर्ज किए गए और खारिज किए गए मुकदमे को नल एंड वाइड मानती है और ऑर्डर पास करती है कि इस केस को दोबारा खोला जाए और अज्ञात महिला की मौत का केस दर्ज किया जाए और तहकीकात शुरू की जाए। कविता अपने पति रफीक और बेटी नाज़नीन के साथ अपनी जिंदगी में लौट गई। कविता की मौसी पार्वती भी अपनी जिंदगी बसर कर रही है। कविता का सौतेला पिता रमेश और भाई रजनी भी अपने अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। मुरली सावंत अब थोड़ी चैन की सांस ले रहा है। कोर्ट के फैसले ने उसे न्याय की एक झलक दिखला दी है। सुभाष वाघमारे भी अब मानता है कि कविता ने पुलिस के सामने जाकर अच्छा काम किया। लौटने के बाद कविता गोपाल से कभी नहीं मिली और ना ही फोन पर कभी कोई बात हुई। गोपाल ने भी कोई पहल नहीं की, वो भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गया है। दो बेगुनाह जिन पर एक ऐसे जुर्म का आरोप लगा था जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था, वो आज भी कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय के दरवाजे पर भी दस्तक दी है कि सालों से हो रही पीड़ा और जिल्लत का जो सामना उन्हें करना पड़ा है उसका भी ख्याल रखा जाए। कविता अब शायद ही कभी अपने गांव वापस आएगी। उसे इस बात का गिल्ट है कि उसके गांव से बिना बोले भागने की वजह से कई लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई। उसे इस बात का खेद है कि वो पहले क्यों नहीं लौटी, ताकि जो इतना बड़ा तमाशा हुआ शायद वो नहीं होता। और वो औरत कौन थी जिसका कत्ल हुआ था और जिसकी लाश को जलाया गया था और जो कत्ल के समय प्रेग्नेंट थी? हालांकि 9 साल पहले के इस केस को कोर्ट ने दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस केस पर कुछ ज्यादा काम नहीं हो पाया है। जिंदगी में रिवाइंड बटन नहीं होता है। गुजरे हुए समय में हुई किसी घटना पर या अपने कर्मों पर अफसोस करने से वर्तमान के हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। हमें वर्तमान में जीना है और वर्तमान के अभी इस पल में दुरुस्त काम करने से हम अतीत के दर्द और भविष्य के डर दोनों को मिटा सकते हैं। काश ऐसा या वैसा होता तो ये सोचते और दोहराते रहने से कई सरल सवालों के जवाब भी मुश्किल बन जाते हैं। पर क्या हम पीछे मुड़कर देखना बंद कर सकते हैं? क्या हम जिंदगी के उस रिवाइंड बटन को तलाशना बंद कर सकते हैं?
आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। 1:15 को सीख पूरे देश को। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।